अब हम आगे चलते हैं और एक ऐसी फीचर एक्सप्लोर करते हैं जो कि इंसान के लिए बिल्कुल नई नहीं है. इट्स बिन देयर सिंस द स्टार्ट ऑफ द टाइम्स. एक बड़ी ही अकलमंद दादेश्वर ने कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल. क्या आप गेस कर सकते हैं कि हम वर्डप्रेस की कौन सी फीचर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं? थोड़ा ज्यादा सोचें, क्या पता ये फीचर आपने यूज की हो. टुडे द फीचर that we are going to explore is called comments. और ये एक ऐसी WordPress की फीचर है जिसने WordPress को, बल्कि ना सिर्फ WordPress को बल्कि किसी भी कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम को सोशल बना दिया और साथ साथ उसमें एक ऐसी फीचर ऐड की जिससे लोग एक दूसरे के साथ ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं. बट वट आर ओपिनियंस? ओपिनियंस होते क्या है? ओपिनियंस क्यों जरूरी है? ओपिनियंस कैसे हमारी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं? प्लेटो ने कहा था, ओपिनियन इज द मीडियम बिटवीन नॉलेज एंड इग्नोरेंस. सो योर ओपिनियन इज व्हाट विल डिफाइन हु यू आर एंड व्हाट यू डू. अभी तक आपका वर्डप्रेस के बारे में भी एक ओपिनियन बन चुका होगा. इसी तरह जैसे जैसे आप लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, यू विल वॉन्ट टू शेयर मोर आइडियाज, यू वुड वॉन्ट टू टॉक मोर, यू वुड वॉन्ट टू इंटरैक्ट मोर विद पीपल. दिस इज व्हाट अ फीचर ऑफ वर्डप्रेस, जिससे हम कमेंट्स करके एक दूसरे के साथ वी कैन शेयर न्यू आइडियाज एंड वी कैन शेयर न्यू ओपिनियंस. व्हाई डज दिस फीचर एग्जिस्ट? इज बिकॉज ह्यूमंस आर सोशल. लोगों को एक दूसरे से बात करने का शौक है, लोगों को एक दूसरे को सुनने का शौक है, एंड दे लाइक टू टॉक टू ईच अदर. ये फीचर वर्डप्रेस में नई नहीं है बल्कि किसी भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में वन ऑफ द कोर फीचर्स इज द फीचर टू पोस्ट कमेंट्स. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस स्टार्टेड ऑफ एज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट वॉज स्पेसिफिक टू ब्लॉग्स. और ब्लॉग्स की सबसे बड़ी एक खासियत ये होती है कि ब्लॉग्स आर टू वे कम्युनिकेशन, जिसमें दो लोग बल्कि मल्टीपल लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं. एंड दिस फीचर अगेन इज कॉल्ड कमेंट्स. सो अभी आप सोच रहे होंगे कि आप ब्लॉग पे कमेंट कैसे पोस्ट कर सकते हैं. सो जैसा कि मैंने आपको बताया और मैं उसको दोहराता चलूं कि कमेंट्स आर फीचर्स ऑफ ब्लॉग्स व्हिच अलाउज रीडर टू रिस्पॉन्ड टू पोस्ट. अगर आपने एक पोस्ट पब्लिश की, उस पोस्ट पे अगर किसी का कोई ओपिनियन है और कोई वो ओपिनियन शेयर करना चाह रहा है, दैट्स व्हाट कमेंट्स आर फॉर. यूजली तौर पे रीडर्स अपने पर्सनल ओपिनियंस या अपने पर्सनल थॉट्स एंड आइडियाज को शेयर करने के लिए इस कमेंट्स फीचर को यूज करते हैं. एंड दिस जनरेट्स मोर इंटरैक्टिविटी विद योर ब्लॉग. और ना सिर्फ आपको ये चाहिए कि आप अपने ब्लॉग पे लोगों को कमेंट करने की फीचर इनेबल करके दें, बट आप लोगों के ब्लॉग्स पे जाके भी कमेंट कर सकते हैं और साथ साथ अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और अपना ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हैं. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट आई लर्न इन माई अर्ली डेज ऑफ यूजिंग वर्डप्रेस वॉज के वर्डप्रेस में जो कमेंटिंग सिस्टम है उसको यूज करके मैं एक सोशल मीडिया सिस्टम भी बना सकता हूं, बिल्कुल फेसबुक की तरह. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फेसबुक यूज करते हैं और आपको शौक है कि यू नो जब भी वहां पे कोई एक पिक्चर आए या कोई स्टेटस अपडेट आए तो आप नीचे जाके अपने दोस्तों को कमेंट करें और दोस्तों के साथ अपना ओपिनियन जैसा आप फील कर रहे हैं वो शेयर कर सकें. द गुड थिंग अबाउट वर्डप्रेस कमेंट्स इज दैट वर्डप्रेस कमेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड एंड दे कैन ऑल्सो बी रेगुलेटेड.
for the language and for the type of content that is being posted there. So WordPress ne ye nahi hai ki koi bhi aake ek koi comment post karega ya koi cheez kahega aur aapko lazmi hai ki aap usse sune ya dekhe. Aapki marzi hai, aapke paas control hai, aapne dekhna hai, aapne decide karna hai ki aap kisi ko allow karenge ki nahi ki wo apna comment aapke blog pe post kar sake. Umeed to hai aapse ki aap अपने ब्लॉग को या अपनी वेबसाइट को या अपनी वर्डप्रेस की साइट को एक सोशल साइट रखेंगे. एंड सोशल साइट से मुराद है कि यू वुड अलाउ पीपल टू पोस्ट कमेंट्स. सो कमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आप जैसे ही वर्डप्रेस के अपने डैशबोर्ड में साइन इन करें, वहां पे यू विल हैव दिस मेन्यू ऑन द लेफ्ट साइड बार विच इज कॉल्ड कॉमेंट्स. एंड कॉमेंट्स इज अ डेडिकेटेड मेन्यू जिससे आप देख सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं अपने कमेंट्स के डेडिकेटेड डैशबोर्ड को, जिधर आपको अपने लिस्ट दिखाई देगी, जैसे कि यहां पे आप देख भी सकते हैं. एंड उस लिस्ट में यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस विच विल बी टेलिंग यू इन डिटेल, बट इट्स अ डैशबोर्ड ऑफ ऑल कमेंट्स दैट हैव बीन पोस्टेड टू योर साइट्स. आपकी एक साइट हो, आपकी मल्टीपल साइट्स हो, आप पे है कि आपने कमेंट की फीचर इनेबल करनी है कि नहीं करनी, और उसके बाद लोगों को कैसे एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो आपसे आके अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस शेयर कर सकें. सो यू कैन शेयर योर कमेंट्स विद अस, यू कैन शेयर योर थॉट्स विद अस, यू कैन शेयर योर ओपिनियन विद अस एंड लर्न विद अस. अगेन, जैसे मैंने पहले कहा, मैन इज अ सोशल एनिमल. पीपल लाइक टू वर्क विद ईच अदर, पीपल लाइक टू टॉक टू ईच अदर. And this is an opportunity for you to open up to the world and allow them to come to your website and share their thoughts and opinions. WordPress ke is comments ke dashboard mein you will have a list of comments. Un comments mein unki aapko picture nazar aa rahi hogi, aapko email bhi saath saath apne user ka nazar aa raha hoga. Aapko ye nazar aa raha hoga ki us comment mein jo post karda मुद्दा है, कंटेंट है, वो क्या है. उसके साथ साथ आप उस यूजर के कमेंट को एक्सेप्ट डिलीट भी कर सकते हैं, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. आप उसके ऑथर का नाम पढ़ सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स दैट आर अवेलेबल टू यू इन द वर्डप्रेस कमेंट्स डैशबोर्ड. पर एक क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा होगा, मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा, बल्कि अपने आप से पूछना चाहूंगा. वो क्वेश्चन ये है कि कैन आई एनहेंस द वर्डप्रेस कमेंट्स फीचर. क्या पता कोई एक ऐसा प्लगइन हो जिससे वर्डप्रेस की कमेंट्स की फीचर फर्दर एनहेंस हो सके. सो आपने बिल्कुल सही समझा. वी विल बी डिस्कसिंग अ बंच ऑफ सच प्लगइन्स. एक उनमें से है डिस्कस. डिस्कस इज अ वेरी पॉपुलर ऑनलाइन प्लगइन फॉर कॉमेंट्स, जो कि वर्डप्रेस की कॉमेंट्स को रिप्लेस करके उसमें एक पावरफुल कमेंट्स फीचर डाल देता है. एक और क्वेश्चन जो आपके जहन में शायद आए, जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, कि कैन आई ऐड फेसबुक की कमेंट्स फीचर. सो बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आप फेसबुक पे कमेंट्स पोस्ट करते हैं, क्या आप फेसबुक के कमेंट्स को ही वर्डप्रेस में डाल सकते हैं. द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दिस एंड ऑल्सो द वेरी सरप्राइजिंग आंसर टू दिस इज येस. एक प्लग इन है जिससे आप अपने ब्लॉग पे या अपनी वेबसाइट पे या अपनी वर्डप्रेस की साइट पे यू कैन इनेबल फेसबुक कमेंटिंग फीचर. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किसी के पास फेसबुक है तो वो फेसबुक पे लॉगिन करके आपकी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकता है थ्रू देयर फेसबुक प्रोफाइल. एंड आई एम गोइंग टू शो यू सम लाइव एग्जाम्पल्स ऑफ साइट्स लाइक beingguru.com, लाइक techjuice.pk, लाइक mangobars.com विच आर मेकिंग यूज ऑफ दिस फीचर. एक और जो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि क्या ऐसे कोई और प्लगइन्स हैं जिनको यूज करके आई कैन एनहांस कमेंट्स ऑन माय वर्डप्रेस वेबसाइट. सो यस, वी विल बी एक्सप्लोरिंग अ प्लगइन कॉल्ड जेट पैक बाय वर्डप्रेस. ये वर्डप्रेस खुद बनाता है टू एनहांस द कमेंट्स फीचर. सो अब हम आपके साथ कॉमेंट्स सेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे. ये है वर्डप्रेस आपके सामने. इसमें आप डैशबोर्ड को एक्सेस करके यू कैन सी डिफरेंट थिंग्स, बट माय फोकस टू शो यू इज टू शो यू द कमेंट सेक्शन.
सो पहले तो मैं ये करूँगा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को रीअरेंज कर लूँगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो एक कमेंट मुझे दिखा रहा है। सो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट मेन्यू बार में कमेंट्स का एक सेक्शन, आई क्लिक ऑन द कमेंट सेक्शन एंड हियर आई कैन सी दैट देयर इज अ कमेंट। बट आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि अगर कमेंट अभी तक किसी ने किया ही नहीं क्योंकि साइट इतनी नहीं है, तो ये कमेंट कैसे इधर आ गया? दिस इज अ कमेंट दैट इज पोस्टेड बाय वर्डप्रेस व्हेन इट्स इंस्टॉलिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बारे में हम आगे ज्यादा जानेंगे बिकॉज वी हैव सेपरेट सेक्शंस एंड लेसन्स एंड टॉपिक्स ऑन रिप्लाइंग टू अ कमेंट, व्यूइंग अ कमेंट, स्पैम के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड इवन एडिटिंग अ कमेंट। सो वी कैन कमेंट ऑन योर प्रोग्रेस एंड शेयर विद द लर्निंग कम्युनिटी। एक दूसरे से शेयर करते रहें, बात करते रहें, कमेंट करते रहें एंड साथ साथ वी विल गेट टू लर्न मोर अबाउट वर्डप्रेस कमेंट फीचर।